हेलो स्टूडेंट्स, टुडे विल डिस्कस द एग्जाम पेपर ऑफ बिजनेस स्टैटिस्टिक्स बीकॉम पार्ट फर्स्ट यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान एग्जामिनेशन 2023, जिसमें यूनिट सेकंड का फर्स्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चन है हमारा. दैट इज द मीडियन एंड द मोड ऑफ द फॉलोइंग वेजेस डिस्ट्रीब्यूशन आर नोन टू बी रुपीज 33.5 एंड 34 रिस्पेक्टिवली. द फ्रीक्वेंसीज फ्रॉम द टेबल आर हाउएवर 3 मिसिंग. फाइंड दीज फ्रीक्वेंसीज. आपको टेबल में वेजेस गिवन है और फ्रीक्वेंसीज में 3 मिसिंग फ्रीक्वेंसीज हैं और n इक्वल्स टू 230 गिवन है. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द 3 मिसिंग फ्रीक्वेंसीज. दिस इज द टेबल जिसमें हमें वेजेस गिवन है. अब मिसिंग फ्रीक्वेंसीज की बात आ रही है, तो 20 to 30 की जो फर्स्ट मिसिंग फ्रीक्वेंसी है उसको हमने x अज्यूम कर लिया है और 30 to 40 के मिसिंग फ्रीक्वेंसी को y अज्यूम कर लिया है. हमें n इक्वल्स टू 230 गिवन है. अब ये जो 3 मिसिंग फ्रीक्वेंसी है उसको कैसे फाइंड आउट करना है? ये जितनी भी गिवन फ्रीक्वेंसीज हैं उसको हम 230 में से लेस कर देंगे तो ये हमारी थर्ड मिसिंग फ्रीक्वेंसी आ जाएगी. फाइन कैसे? 230 माइनस 4 माइनस 16 माइनस एक्स माइनस वाई माइनस 6 माइनस 4. तो ये अपने हो गया 20 और 30. 30 लेस कर देना है आपको इसमें से. 200 माइनस एक्स माइनस वाई आ गया इसका आंसर. दैट इज योर थर्ड मिसिंग फ्रीक्वेंसी. ये समझ आ गया है. नेक्स्ट CF कैलकुलेट करेंगे. 4 एज इट इज 4 प्लस 16 20 20 प्लस एक्स डैट इज 20 प्लस एक्स. इसको ऐड किया 20 प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 20 प्लस एक्स प्लस वाई. इसको ऐड करोगे आप तो आपका आंसर 220 आने वाला है. कैसे? 20 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस 200 माइनस एक्स माइनस वाई. ये ब्रैकेट खोलेंगे. 20 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस 200 माइनस एक्स माइनस वाई. माइनस का एक्स प्लस एक्स से कैंसिल, प्लस वाई माइनस वाई से कैंसिल. ये दोनों सेम प्लस में हैं. डैट इज 220. इधर आ गया 220 प्लस 6 226 प्लस 4 डैट इज 230. क्लियर है टेबल? नाउ क्वेश्चन में हमें मीडियन एंड मोड गिवन है. अब उनके फॉर्मूले में जो जो वैल्यूज हमें गिवन है उन सबको सब्स्टिट्यूट करके हम मिसिंग फ्रीक्वेंसीज को कैलकुलेट करेंगे. मीडियन का फॉर्मूला है, ये मोड का फॉर्मूला है, राइट? मीडियन क्वेश्चन में गिवन है आपको 33.5. अब ये 33.5 कौन से मीडियन ग्रुप में आएगा? 30 to 40 के मीडियन ग्रुप में आएगा. फाइन, तो L1 हो गया इसका 30. क्लियर? इनका इंटरवल कितना है? 10 का इंटरवल है इसलिए 10. अब 30 to 40 वाले ग्रुप की आप फ्रीक्वेंसी देखेंगे ऊपर टेबल में, वो Y है, लिख दिया इधर, डिवाइडेड बाय M, जिसका फॉर्मूला होता है N/2. N 230 आपको गिवन है, डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे, ये आ गया स्मॉल m. माइनस C इक्वल्स टू मीडियन ग्रुप के पहले वाले ग्रुप की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. तो मीडियन ग्रुप है 30 to 40, इसके पहले वाला ग्रुप हो गया 20 to 30. इसकी आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऊपर टेबल में देखिए. डैट इज 20 प्लस एक्स यहाँ लिख दिया आपने. अब ये देखिए, यहाँ पे आपको साइंस का ध्यान रखना है, अदरवाइज मिस्टेक होने के चांसेस रहते हैं. इस 30 को आप इधर ट्रांसफर कर देंगे. डैट इज 33.5 माइनस 30, ये एज इट इज आ गया. इसको सॉल्व किया 115. अब ये माइनस है, ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस का 20 और ये एक्स भी माइनस का आ जाएगा. क्लियर? इनको सॉल्व करेंगे 95 माइनस एक्स. इधर अब ये जो y है
इसको आपको करना है इधर से मल्टीप्लाई और ये ऊपर से सारा मल्टीप्लाई हो जाएगा। इक्वेशन 1 आ गई है आपके पास, 10x प्लस 3.5y इक्वल्स टू 950, ये मीडियन से आई है। नाउ मोड, मोड का फॉर्मूला लिख दिया, मोड आपको क्वेश्चन में गिवन है डैट इज 34, तो मॉडल ग्रुप भी क्या हो गया 32 40। क्लियर? नाउ डेल्टा 1 एफ 1 माइनस एफ 0, डेल्टा 2 एफ 1 माइनस एफ 2। क्लियर? तो अब यहां देखेंगे हम टेबल पे एफ 1 क्या है, एफ 0 क्या है और एफ 2 क्या है। ये वैसे सबको पता है, मोड के क्वेश्चंस हम सॉल्व कर चुके हैं। मॉडल ग्रुप है उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो एफ 1 है, मॉडल ग्रुप के पहले वाले ग्रुप की फ्रीक्वेंसी एफ 0 और मॉडल ग्रुप के बाद वाले ग्रुप की फ्रीक्वेंसी एफ 2। क्लियर? इन सबको वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, फॉर्मूले में वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, y माइनस एक्स डैट इज एफ 1 माइनस एफ 0, इधर भी ये एफ 1 माइनस एफ 0 हो गया और इधर एफ 1 माइनस एफ 2, ये वैल्यू हमने ऊपर देखी थी इंटू आई, तो इंटू आई कर दिया, आई इज इंटरवल, मॉडल ग्रुप का इंटरवल कितना है 10। क्लियर? अब इसको भी सॉल्व करने में आप सावधानी बरतें, अदरवाइज मिस्टेक हो जाएगी। ये 30 इधर ट्रांसफर हो गया, देयर आफ्टर इधर ये जो 10 है उसको आपने ऊपर से मल्टीप्लाई कर दिया 10y माइनस 10x, ठीक है। नाउ नीचे y माइनस x इसको ओपन करेंगे, प्लस का y माइनस का 200, ये प्लस में हो जाएंगे क्योंकि यहाँ बाहर माइनस है, तो इधर आ गया प्लस, ये भी प्लस में। अब नीचे माइनस का एक्स और प्लस का एक्स है, ये दोनों कैंसिल हो गए हैं आपके। अब वाई 3 है आपके पास प्लस के, 1 2 और 3, तो 3y माइनस 200, नीचे क्लियर हो गया आपको, ऊपर एज इट इज आ गया है। नाउ अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 12y माइनस 800, अब ये 12y इधर आ जाएगा, 10y माइनस 12y हो गया तो 2y हो गया, इधर 10x हो गया माइनस 800। नाउ द इक्वेशन 2, इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो ये x की वैल्यूज कट जाएगी क्योंकि ये अपोजिट साइंस है, इसमें ये इसमें से लेस हो जाएगा, 3.5 माइनस 2 डैट इज 1.5y, इसमें से ये लेस हो जाएगा डैट इज 150, y की वैल्यू आ जाएगी आपकी 150 डिवाइडेड बाय 1.5 डैट इज 100। y की वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, इक्वेशन 1 है ये, इसको सॉल्व कीजिए, x की वैल्यू आ रही है 60, हमारे पास x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई। अब जो थर्ड मिसिंग फ्रीक्वेंसी है वो है हमारी 200 माइनस एक्स माइनस वाई, 200 में से हमें x है 60 और y है 100, इसको लेस करना है डैट इज 40, तो थर्ड मिसिंग फ्रीक्वेंसी 40 आ गई है। इधर देख लीजिए 20 टू 30 वाले ग्रुप की मिसिंग फ्रीक्वेंसी है 60, 30 टू 40 वाले ग्रुप की है 100 और 40 टू 50 वाले ग्रुप की है 40। इन मिसिंग फ्रीक्वेंसीज की वैल्यूज को आप ऊपर फ्रीक्वेंसीज के साथ में ऐड करके देखिए, जो गिवन फ्रीक्वेंसी है सारी फ्रीक्वेंसीज का टोटल हमारा n इक्वल्स टू 230 होना चाहिए, डैट इज क्लियर। यूनिट सेकेंड का सेकेंड प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, डैट इज कैलकुलेट द मीडियन वेजेस फ्रॉम द फॉलोइंग वेजेस डिस्ट्रीब्यूशन, निम्नलिखित मजदूरी बंटन से माध्यिका मजदूरी ज्ञात कीजिए। आपको टेबल गिवन है, अ फंड इज टू बी क्रिएटेड फॉर विच द वर्कर्स गेटिंग वेजेस लेस देन रुपीज 120 शेल कॉन्ट्रीब्यूट 5% ऑफ देयर वेजेस एंड वर्कर्स गेटिंग मोर देन रुपीज 120 शेल कॉन्ट्रीब्यूट 10% ऑफ देयर पे, वॉट विल बी द अमाउंट ऑफ द फंड। आपको एक फंड क्रिएट करना है जिसमें कि जिसकी वेजेस 120 से कम है वो 5% कंट्रीब्यूट करने वाले हैं
और 120 से ज्यादा वाले लेबर 10% फंड क्रिएट करना है. लेट अस डिस्कस द क्वेश्चन. वीकली बेसिस आपको क्वेश्चन में गिवन है, फ्रीक्वेंसीज क्वेश्चन में गिवन है. नाउ हमें सबसे पहले मीडियन फाइंड आउट करनी है. तो मीडियन के लिए हम इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करेंगे. तो ये देखिए यहाँ पे 30 प्लस 157 ऐसे ही आप ऐड करके इसको फाइंड आउट कर लेंगे. लास्ट में टोटल आ रहा है 871. फाइन. नाउ इधर हमने यहाँ पे मिड वैल्यूज और टोटल वेजेस फाइंड आउट की है आपको वर्कर्स की वेजेस फाइंड आउट करने के लिए. ये तो नंबर ऑफ वर्कर्स है, ये वीकली वेजेस है 65 रुपीज. तो इनको मल्टीप्लाई करके हम इनकी टोटल वेजेस फाइंड आउट कर लेंगे, जिससे कि आगे हमें पता लगेगा कि 120 से नीचे वाले कितने वेजेस है और 120 से ऊपर कितनी वेजेस है. क्लियर. तो सबसे पहले हम इसका मीडियन फाइंड आउट करेंगे. n इक्वल्स टू 871 आ रहा है ऊपर टोटल. कैलकुलेटिंग द मीडियन, मीडियन का साइज ऑफ n बाय टूथ आइटम, इसको किया सॉल्व, 433.5 आ रहा है. तो ये 433.5 आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखेंगे वो कौन से ग्रुप में आ रहा है. यहाँ पे 435 इस ग्रुप में आ रहा है, इसका ग्रुप है 110 to 120. मीडियन के फॉर्मूले में सारी वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है. L1 ये हो गया आपका, I इन दोनों का डिफरेंस 10, इसकी फ्रीक्वेंसी ऊपर देखिए 240 है. M स्मॉल ये रहा और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है मीडियन ग्रुप के पहले वाले ग्रुप की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, 100 to 110 वाले ग्रुप की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी गिवन है हमें 297 ऊपर टेबल में. इसको माइनस करके मल्टीप्लाई कर देना है, फर्दर सॉल्व करेंगे वैल्यू आ गई है 115.77. दिस इज योर मीडियन वेजेस. क्वेश्चन का एक पार्ट सॉल्व हो गया है, सेकेंड पार्ट में आपको वैल्यूज देखनी है. देखिए टोटल वेजेस ऑफ द वर्कर्स गेटिंग लेस देन रुपीज 120 वीकली, टोटल वेजेस ऑफ द वर्कर्स गेटिंग मोर देन 120 वीकली. इन दोनों का जो ऊपर हम कैलकुलेशन बता रहे हैं, देखिए 120 के नीचे वाली सारी वेजेस इधर आ जाएगी. तो यहाँ पे हमने कैलकुलेशन किया था, अगेन डिस्कस कर लेते हैं. इनकी मिड वैल्यू फाइंड आउट करके उसको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर दिया, डैट इज योर टोटल वेजेस. बिलो में ये होगा, ये होगा, ये और ये चार बिलो में है और चार अबव में है. फाइन. तो इनका तो आपको लेना है, ये जो 4 है इनका लेना है 5% और इनका लेना है 10%. इनका टोटल फाइंड आउट करके हम निकाल रहे हैं. देखिए इधर हमने टोटल फाइंड आउट करके इसका 5% कैलकुलेट कर लिया. इसका ये टोटल अमाउंट कितना हो गया, 7261 का आपने फंड क्रिएट कर लिया है. दैट इज द क्वेश्चन. यूनिट थर्ड से फर्स्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चन है. क्वेश्चन इज मीन स्टैंडर्ड डेविएशन रेंज ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स ऑफ 20 स्टूडेंट्स आर 6 मार्क्स, 1.5 मार्क्स एंड 4 मार्क्स रिस्पेक्टिवली. द मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज द सेम एज द मीन. फाइंड द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इफ द लोएस्ट एंड द हाइएस्ट मार्क्स स्कोरर आर एक्सक्लूडेड. अब यहाँ हमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गिवन है, मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन और रेंज गिवन है. अब आपसे बोला जा रहा है कि मीडियन और मीन दोनों इक्वल है, आपको इसमें से जो हाईएस्ट और लोएस्ट वैल्यू है उसको एक्सक्लूड कर देना है, उनको हटा देना है और उसके बाद में आपको नया मीन और नया स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करना है. क्लियर. नाउ वी विल डिस्कस. गिवन है n इक्वल्स टू 20, x बार इज 6, स्टैंडर्ड डेविएशन इज 1.5, रेंज है 4. मीडियन इक्वल्स टू मीन, जब मीन और मीडियन बराबर होंगे तो डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक होगा. x बार इक्वल्स टू m, ये सिमेट्रिक है.
क्लियर। x बार आपको गिवन है क्वेश्चन में 6। अब ये तो है आपकी लोएस्ट और ये है हाईएस्ट वैल्यू, ये लोएस्ट ये हाईएस्ट, ठीक है। रेंज गिवन है 4 की, दैट मींस ये लोएस्ट और हाईएस्ट के बीच का डिफरेंस है आपका 4। मीन से 2 इधर आने वाला है और 2 इधर आने वाला है, क्योंकि इन दोनों की दूरी 4 है। तो अब आपको लोएस्ट और हाईएस्ट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहाँ आपको एक्स बार गिवन है 6 और इधर गिवन है 2, तो 2 अगर आप माइनस कर देते हैं तो इसमें से लोएस्ट वैल्यू आ जाएगी 4, और एक्स बार में से 2 प्लस कर देते हैं 6 प्लस 2, तो हाईएस्ट वैल्यू आ गई 8। तो अब आपके पास ये हाईएस्ट और लोएस्ट वैल्यूज भी आ गई है। इधर देखिए, ये रहे आपके 8 and 4 मार्क्स। नाउ अब है टोटल मार्क्स ऑब्टेंड बाय द स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स ने टोटल मार्क्स कितने ऑब्टेंड किए, नए एक्स बार और नए स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करना है, तो सिग्मा एक्स भी पता होना चाहिए हमें पुराना, तो एक्स बार मल्टीप्लाई बाय एन, तो टोटल आ गया आपका 120 मार्क्स आपका पुराना है। आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग द लोएस्ट एंड द हाईएस्ट मार्क्स, अब आपके पास 120 टोटल आ गया था, उसमें से हाईएस्ट और लोएस्ट मार्क्स को हटा देना है। यही क्वेश्चन बोल रहा है हमें, 108 मार्क्स आ गए। अब मार्क्स हटा दिए तो एन भी तो कम होगा, एन जहाँ 20 है तो 20 में से 2 लेस हो गए, डैट इज 18। तो आपका नया एक्स बार क्या आ गया है, 108 डिवाइडेड बाय 18 इक्वल्स टू 6 मार्क्स। ये 6 मार्क्स आपका नया एक्स बार आ गया है, अर्थमैटिक मीन आ गया। नाउ द कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, हमने नया एक्स बार फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास पुराना सिग्मा एक्स था, वैसे ही स्टैंडर्ड डेविएशन नई फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या चाहिए, सिग्मा एक्स स्क्वायर। इस एक्स स्क्वायर को जो पुराना है उसका कैलकुलेशन इधर देखिए, ये फॉर्मूला है हमारा, सिग्मा एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू एन मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर प्लस एक्स बार का स्क्वायर। जो जो चीज़ें गिवन है उनसे हमने एग्जिस्टिंग सिग्मा एक्स स्क्वायर फाइंड आउट कर लिया, एन हमें क्वेश्चन में गिवन था, ये सब भी क्वेश्चन में गिवन है, इसको स्क्वायर को सॉल्व करेंगे, ओल्ड सिग्मा एक्स स्क्वायर है। अब हमें लोएस्ट और हाईएस्ट वैल्यूज का भी एडजस्टमेंट करना है, उसके लिए क्या करना है, न्यू सिग्मा एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू एग्जिस्टिंग सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस रॉन्ग आइटम का स्क्वायर। एग्जिस्टिंग सिग्मा स्क्वायर है 765 माइनस रॉन्ग आइटम कौन से थे, 8 और 4, इनके स्क्वायर्स को लेस कर देंगे, तो न्यू सिग्मा एक्स स्क्वायर आ गया है 685। अब इससे हम स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करने वाले हैं, दैट इज अंडर रूट करेक्टेड सिग्मा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय करेक्टेड मल्टीप्लाई बाय करेक्टेड एक्स बार का होल स्क्वायर। करेक्टेड सिग्मा एक्स स्क्वायर है 685, करेक्टेड एन 18 ही रह गया है क्योंकि 2 लेस हो गए हैं। अब हाईएस्ट और लोएस्ट वैल्यूज को हमने एक्सक्लूड कर दिया, उनको हटा दिया है, माइनस करेक्टेड एक्स बार हमारा ऊपर फाइंड आउट हुआ था 6, इसका स्क्वायर करा है, इसको डिवीजन को सॉल्व कर दिया, ये आ गया, इसके स्क्वायर को सॉल्व किया, इन दोनों को सॉल्व करके अंडर रूट फाइंड आउट किया, डैट इज 1.43। दिस इज योर न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन। तो एक्स बार आ गया है नया 6 और स्टैंडर्ड डेविएशन है 1.43। यूनिट 4th का फर्स्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चन है हमारा कोरिलेशन से, दैट इज द फॉलोइंग आर द डेविएशंस ऑफ टू वैल्यूज ऑफ पी एंड क्यू सीरीज फ्रॉम द रिस्पेक्टिव एक्चुअल मीन्स एक्स बार। फाइंड आउट कॉल पियर्सन्स कोरिलेशन कोएफिशिएंट। हमें 2 सीरीज गिवन है, पी सीरीज एंड क्यू सीरीज, जिसमें डेविएशन डिफरेंसेस गिवन है। इस सीरीज में 2 डेविएशंस अपने पास मिसिंग है, पी सीरीज को तो हम ए अज्यूम कर रहे हैं और क्यू सीरीज को हम बी अज्यूम कर रहे हैं। सीरियल नंबर क्वेश्चन में गिवन है एक्स माइनस एक्स बार, डैट इज डी
क्वेश्चन में हमें ये गिवन है, जो मिसिंग है उसको हमने ए लिख दिया है, पी सीरीज को वाई माना है हमने, और इसको भी हमने क्वेश्चन में से लिख दिया है, इसके मिसिंग को बी माना है। अब इनका हम टोटल करेंगे, इसका टोटल करने पे वैल्यू आ रही है -3 + a, और इसका टोटल करने पे वैल्यू आ रही है +3 + b। टोटल करके देखिएगा आप। एज वी नो, जो भी डेविएशन का टोटल है वो क्या होता है, 0। तो यहां से हम a की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, -3 + a = 0, क्योंकि सिग्मा एक्स इक्वल्स टू 0 होता है, तो a की वैल्यू आ गई 3। तो a हमने यहां लिख दिया है 3, ठीक है। नाउ यहां से भी हम b की वैल्यू ले लेंगे, क्योंकि इसका भी टोटल 0 होना चाहिए, तो +3 + b = 0, तो b इक्वल्स टू हो गया -3, तो -3 यहां आ जाएगा ये b के प्लेस पे। अब x स्क्वायर करना है, इनका स्क्वायर कर दीजिए, 5 × 5, 4 × 4, ये प्लस में है सारे, 6 × 6, 3 × 3, डैट इज 09, 2 × 2, -3 × -3, +9, -4 × -4, ऐसे ही इधर हो गया। और y का स्क्वायर भी हम ऐसे ही फाइंड आउट कर लेंगे, इसमें भी इसका स्क्वायर कर दीजिए सबका, ये वैल्यूज आ गई है x स्क्वायर की और ये y स्क्वायर की। नाउ द लास्ट कॉलम, लास्ट कॉलम में एक्स वाई है, एक्स वाई में x तो है आपका ये और y है ये, इन दोनों में साइंस का ध्यान रखना है आपको मल्टीप्लीकेशन करते टाइम, +5 × 3, 15, +4 × +4, डैट इज 16, +6 × +5, डैट इज 30। यहाँ पे 3 है, 3 × +6, डैट इज 18, 2 × -3, डैट इज -6। अब यहाँ पे -3 × -3, +9, ये मल्टीप्लाई करके हमने एक्स वाई फाइंड आउट कर लिया है, इधर सिग्मा एक्स का स्क्वायर आ गया, सिग्मा वाई स्क्वायर, सिग्मा एक्स वाई टोटल। आर का जो फॉर्मूला है उसमें आप ये सारी चीज़ें सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ऊपर से सिग्मा एक्स वाई है 128, सिग्मा एक्स स्क्वायर है 180, सिग्मा वाई स्क्वायर है 146, को आप सॉल्व करेंगे वैल्यू आ रही है 0.79, जो कि 0.75 से ऊपर है, अबव है, इसलिए ये वेरी हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन है। यूनिट फिफ्थ से फर्स्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चन है हमारा इंडेक्स नंबर से, डैट इज कंस्ट्रक्ट द फिशर्स आइडियल इंडेक्स एंड क्वांटिटी इंडेक्स नंबर फॉर द करंट ईयर फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। 2021 बेस ईयर से रिलेटेड क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन है, साथ ही 2022 से रिलेटेड। अब इसमें क्वेश्चन में आर्टिकल्स, प्राइस, टोटल एक्सपेंडिचर और क्वांटिटी, ये 5 कॉलम गिवन है। तो टोटल एक्सपेंडिचर डिवाइडेड बाय क्वांटिटी आपका प्राइस होगा, और टोटल एक्सपेंडिचर डिवाइडेड बाय प्राइस आपकी क्वांटिटी होगी। प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर गिवन है बेस ईयर का, तो इसके बेसिस पे हम क्वांटिटी फाइंड आउट करेंगे, दैट इज 150 डिवाइडेड बाय प्राइस इसकी 3, तो इधर 50 आपकी क्वांटिटी आ गई। ये ए का है, बी का 100 डिवाइडेड बाय 1, दैट इज 100, सी का 120 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 60, ये क्वांटिटी आ गई है बेस ईयर की। नाउ 150 डिवाइडेड बाय 5, 30, 160 डिवाइडेड बाय 4, दैट इज 40, तो ये है क्वांटिटी। अब हम इधर नेक्स्ट करंट ईयर में फाइंड आउट करेंगे प्राइस, तो प्राइस के लिए भी सेम फॉर्मूला होगा, टोटल एक्सपेंडिचर डिवाइडेड बाय क्वांटिटी, 280
ए आर्टिकल का डिवाइडेड बाय 28 दैट इज 10, इसका प्राइस फाइंड आउट कर लेंगे। देखिए आर्टिकल वाइज बेस ईयर का प्राइस है उसको P0 से डिनोट करते हैं और क्वांटिटी को Q0 से, करंट ईयर के प्राइस को P1 से और क्वांटिटी को Q1 से। यहाँ पे जो जो रिक्वायर्ड है डैट इज P1 Q0 P0 Q0 P1 Q1 P0 Q1 में लिखा हुआ है। इसके अकॉर्डिंग P1 को Q0 से, P1 और Q0 ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए हैं 50 मल्टीप्लाई बाय 10, 100 मल्टीप्लाई बाय 2, 60 मल्टीप्लाई बाय 6, ये मल्टीप्लाई करके आ गया P0 Q0। अब P0 और Q0 ये है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया 150, 100, 120 ये आ गया। नाउ P1 Q1 इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, वैल्यू आ रही है 280, 120, 180, 144, 216। नाउ P0 और Q1, P0 और Q1 इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 28 डैट इज 84, 1 मल्टीप्लाई बाय 60 डैट इज 60। तो ऐसे ही ये सारी फिगर्स आ जाएगी, आप मल्टीप्लाई करके देखेंगे और इनका टोटल आ रहा है 1900, 680, 940 और 336। इंडेक्स नंबर का बेसिस होता है करंट ईयर प्राइस डिवाइडेड बाय बेस ईयर प्राइस, क्लियर। तो यहाँ देखिए करंट ईयर प्राइस डिवाइडेड बाय बेस ईयर प्राइस दोनों में आई है। एक बार आप बेस ईयर की क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे और एक बार करंट ईयर की क्वांटिटी से, तो फॉर्मूला है अंडर रूट सिग्मा P1 Q0 डिवाइडेड बाय सिग्मा P0 Q0 मल्टीप्लाई बाय सिग्मा P1 Q1 डिवाइडेड बाय P0 Q1। ठीक है, ये सारी वैल्यूज को हमने ऊपर से लिख लिया है, सॉल्व करेंगे वैल्यू आ जाएगी 280। दिस इज योर फिशर्स आइडियल इंडेक्स नंबर। नाउ क्वेश्चन में हमसे क्वांटिटी इंडेक्स नंबर भी पूछा है, तो अब ये देखिए यहाँ पे हमने ये प्राइस को बेसिस लिया है, वहां हम क्वांटिटी को बेसिस लेंगे। कैसे देखिए, यहाँ क्वांटिटी बेसिस में है करंट ईयर डिवाइडेड बाय बेस ईयर क्वांटिटी, करंट ईयर डिवाइडेड बाय बेस ईयर क्वांटिटी, मल्टीप्लीकेशन में एक बार बेस ईयर की प्राइस आ जाएगी और दूसरी बार में करंट ईयर की प्राइस। ये फॉर्मूला बन गया आपका क्वांटिटी इंडेक्स नंबर का। वैल्यूज ऊपर के अकॉर्डिंग सब्स्टिट्यूट करेंगे, ऊपर हमने P0 Q1 लिखा है तो वो Q1 और P0 सेम ही है, तो आप उसको वहाँ से ही लिखेंगे, कंफ्यूज नहीं होना है, सेम वही वैल्यू है, चाहे आप इसको ऐसे लिखें चाहे वैसे लिखें। ठीक है, वैल्यू आ रही है आपकी 49.44। यूनिट फिफ्थ से लास्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चन है इंटरपोलेशन एंड एक्सट्रापोलेशन से, दैट इज फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल फाइंड द नंबर ऑफ पर्संस अर्निंग वेजेस बिटवीन ₹60 and ₹70। 60 से 70 के बीच में कितने पर्संस आ रहे हैं वेजेस के, वो फाइंड आउट करना है आपको। वेजेस गिवन है और नंबर ऑफ पर्संस गिवन है। क्वेश्चन में आपको ग्रुप्स गिवन है बिलो 40, 40 टू 60, 60 टू 80, 80 टू 100। हम इसमें इसको बिलो में कन्वर्ट करेंगे और फ्रीक्वेंसी को क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करेंगे। तो वेजेस बिलो 40, 60, 80, 100 and 120 और नंबर ऑफ पर्संस को क्यूमुलेट कर लिया है 250 फर्स्ट का हो गया, सेकंड में हो गया 250 प्लस 120 डैट इज 370, 370 प्लस 100 डैट इज 470 प्लस 70 540 प्लस 50 590। नाउ द डिफरेंस टेबल, वेजेस आपने लिख ली है बिलो 40, बिलो 60, बिलो 80, बिलो 100, बिलो 120। इसको आप देंगे x0, x1, x2, x3, x4। y है आपके नंबर ऑफ पर्संस जो कि आपने अभी क्यूमुलेटिव ऊपर से निकाले हैं, इसको भी आपने दे दिया y0, y1, y2, y3, y4। ना ऊपर आ जाइए डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3, डेल्टा 4। डेल्टा मीन्स डिफरेंस। अब इसमें किसका डिफरेंस आएगा, y1 माइनस y0,
इसमें y2 माइनस y1, इधर y3 माइनस y2, आगे वाली वैल्यू से पीछे वाली वैल्यू लेस होगी, तो ये है y1 माइनस y0, तो 370 माइनस 250 डैट इज 120, और ये वैल्यू इधर आ जाती है डेल्टा 10. अब इसको हम इन दोनों के सेंटर में लिखते हैं, ये देखिए ये सब जो डिफरेंस है इनके सेंटर में लिखा जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस है आपका 470 माइनस 370, प्लस के 100 आ गए, ये डेल्टा 10 था, ये डेल्टा 11, इंक्रीज होती जाएगी ये. नाउ 540 माइनस 470, तो वैल्यू आ रही है प्लस के 70, डेल्टा 12. 590 माइनस 540, वैल्यू आ रही है 50, डेल्टा 13. ऐसे ही ये लास्ट तक चलता रहेगा जब तक कि ये लास्ट में सिर्फ एक वैल्यू नहीं आए. इसको देखते हैं, दोनों में से आगे में से पीछे वाली वैल्यू लेस की है, इसमें भी ऐसे ही होगा. 100 माइनस 120 क्या आएगा, 100 माइनस 120, तो माइनस के 20 आ रहे हैं. साइंस का ध्यान रखना है, इसमें साइंस बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, क्वेश्चन गलत हो जाता है, इसलिए हमेशा कैलकुलेशन के टाइम पे इसको ध्यान रखना. 70 माइनस 100 तो माइनस के 30 आ गए, डेल्टा 21. इसमें 50 माइनस 70 तो माइनस 20 आ गया, दैट इज डेल्टा 22. अब इधर आएंगे, इधर में इन दोनों को लेस करना है, माइनस 30 माइनस माइनस 20, यही होगा, ये खुलेगा तो माइनस 30 प्लस 20, तो माइनस के 10 आ गए यहाँ पे डेल्टा 30 में. अब इधर माइनस 20 माइनस माइनस 30, तो वही प्लस के 10 आ गए, इसको सॉल्व किया तो डेल्टा 31. अब इसमें भी इन दोनों का डिफरेंस होगा, तो ये वाला 10 माइनस, फिर ये वाला ऊपर वाला आएगा, दैट इज 20, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 20 डेल्टा 40. क्लियर है? फर्स्ट हमें फाइंड आउट करना होगा स्मॉल x, तो इसका फॉर्मूला है आइटम ऑफ इंटरपोलेशन माइनस आइटम ऑफ ऑरिजिन डिवाइडेड बाय डिफरेंस बिटवीन टू एडजॉइनिंग आइटम्स. तो आइटम ऑफ इंटरपोलेशन आपको फाइंड आउट क्या करना है, बिलो 70 वाला फाइंड आउट करना है, तो 70 आ गया इधर, और आइटम ऑफ ऑरिजिन आपने टेबल स्टार्ट की है बिलो 40 से, तो माइनस 40 डिवाइडेड बाय, इन दो के बीच में डिफरेंस कितना है, 20 का डिफरेंस है, तो इसको सॉल्व करेंगे, 1.5 आ रहा है आपका स्मॉल x. नाउ द फॉर्मूला, ये फॉर्मूला है आपका, अब ये कहाँ तक आएगा, डेल्टा 40 तक आएगा, क्योंकि ऊपर टेबल में डेल्टा 40 है. उसी वैल्यूज़ को आपको इन्वॉल्व करना है, ये देखिए ये जो वैल्यू आ रही है ना आपकी, ये वैल्यूज यूज आने वाली है फॉर्मूले में. अगर आप इसको यू मार्क कर लेते हैं तो प्रॉब्लम नहीं आएगी. वाई जीरो आने वाला है, डेल्टा 10, डेल्टा 20, डेल्टा 30, डेल्टा 40, जीरो वाले फिगर्स आने वाले हैं. देखिए फॉर्मूला है वाई जीरो डेल्टा 10, एक्स पहले आएगा, फिर एक्स मल्टीप्लाई में एक्स माइनस 1, इधर 2 का फैक्टोरियल मतलब 2 × 1, 2 को 1 तक लिखेंगे मल्टीप्लाई करते हुए, 3 का फैक्टोरियल मतलब 3 को आप 1 तक खोलते हुए चलेंगे, 4 का फैक्टोरियल मतलब 4 को आप 1 तक लिखते जाएंगे, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 और 1, और ऊपर देखेंगे ये x जो है वो बढ़ता जा रहा है, पहले तो x आएगा, फिर x मल्टीप्लाई बाय x माइनस 1, इधर x माइनस 2 से मल्टीप्लाई हो गया, इधर x माइनस 3 से. एक दो बार आप करेंगे तो ये फॉर्मूला आपको जल्दी से याद हो जाता है. ठीक है, अब सारी वैल्यूज़ को लिखेंगे. y जीरो पर हमने मार्क किया था, स्मॉल x 1.5 आपने निकाला है, डेल्टा 10 भी मार्क किया हुआ है ऊपर,
सेम ये वैल्यूज आपने लिख दी है, माइनस 20 ऊपर लिया है डेल्टा 20 को, डेल्टा 30 है माइनस 10, ये भी आपने ऊपर से लिख दिया, एक्स की जगह 1.5 लिख दिया यहाँ पर, और यहाँ डेल्टा 40 की जगह 20, ठीक है। इसको भी अच्छे से सॉल्व करना है, पहले ये आप इसको इधर तो मल्टीप्लाई है तो इसको मल्टीप्लाई को सॉल्व करेंगे, इधर ये पहले ये ब्रैकेट की डिजिट्स को सॉल्व करना है उसके बाद मल्टीप्लिकेशन करना है, इधर भी पहले ब्रैकेट सॉल्व होंगे और फिर मल्टीप्लिकेशन और फिर डिवीजन, ठीक है। वैल्यू आ रही है 424 पर्संस, तो नंबर ऑफ पर्संस अर्निंग लेस देन 70 कितने हो गए, 424, और क्वेश्चन में हमने टेबल में देखा है नंबर ऑफ पर्संस अर्निंग वेजेस लेस देन 60 है 370, और क्वेश्चन में हमसे 60 से 70 रुपीस के बीच में पूछा है लेस, तो वैल्यू आ रही है आपकी 54। नंबर ऑफ पर्संस अर्निंग बिटवीन 60 एंड 70 इज 54 पर्संस।